यहाँ पर आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 जो कि आपकी स्क्रीन के सामने है, जो कि मैंने यहाँ रखा हुआ है। इसमें तीन पॉइंट्स लिखे गए हैं। आठवां नंबर क्वेश्चन है जिसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड तीन पार्ट में है, और इसमें इस जो क्वेश्चन में पूछा गया है ये एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स की प्रॉब्लम है। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा फाइंड आउट वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट और दे आर पॉजिटिवली और निगेटिवली एसोसिएटेड। तो ये आपको देखना होगा, और इनका जो आंसर है यहाँ पर भी दिया हुआ है, तो आइए इसको चेक करते हैं। तो जो प्रॉब्लम अभी अभी मैंने आपको दिखाया उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन में ये पहली कंडीशन है जिसमें ये डाटा दिया हुआ है, और ये दूसरी है और ये तीसरी है। इसमें हमें ये देखना होगा कि जो ए वी की वैल्यू है क्या वह ए इंटू बी अपॉन एन के बराबर है या कम है या ज़्यादा है। इस वाले में हम देखते हैं कैपिटल ए और बी की मल्टीप्लाई करेंगे और एन से डिवाइड करेंगे, यानी 48 और 100 की मल्टीप्लाई और 300 से डिवाइड, तो इसकी जो वैल्यू आती है वो यहाँ पर देखेंगे तो 16 आती है, जो कि कैपिटल ए बी से देखेंगे तो दोनों इक्वल ही बैठ रहे हैं। अर्थात हेंस कैपिटल ए बी इक्वल टू कैपिटल ए इंटू कैपिटल बी अपॉन एन, यानी ये दोनों इक्वल हो रहे हैं। यानी जो हमने सोल्व किया है वो इनकी मल्टीप्लाई वाला हिस्सा और कैपिटल ए बी, अगर ये बराबर हो गए हैं तो यहाँ पर लिखेंगे इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र हैं। इसके बाद अब दूसरे में चलते हैं, तो यहाँ पर कैपिटल ए कैपिटल बी की वैल्यू दी हुई है जो कि 24 इंटू 100 अपॉन एन की वैल्यू है 120, इसे सॉल्व करेंगे तो ये 20 आता है। अर्थात जो ये मल्टीप्लाई वाला हिस्सा है वो कैपिटल ए बी से कम है और कैपिटल ए बी जो है वो ज़्यादा है। तो हम इसका जो हेंस कैपिटल ए बी ग्रेटर देन कैपिटल ए इंटू कैपिटल बी अपॉन एन, अगर इस सिचुएशन में होता है तो इसे हम पॉजिटिव कहेंगे, क्योंकि जब ये ज़्यादा होगा तो पॉजिटिव और ये कम होगा तो नेगेटिव, और ये इसके बराबर होगा तो इंडिपेंडेंट होगा। इसके बाद हम यहाँ पहुँचते हैं, यहाँ की इन्फॉर्मेशन के मुताबिक इन्होंने कैपिटल ए की वैल्यू दिया लेकिन कैपिटल बी की वैल्यू नहीं दिया, लेकिन आगे और भी वैल्यू दिया है लेकिन कैपिटल बी मिसिंग है। तो अगर कैपिटल बी मिसिंग है तो इसको हम जानने के लिए इसको हम 9 स्क्वायर टेबल में डाल देंगे, और इसमें जो जो वैल्यू हमें पता है जैसे कि एन 400 तो हमने यहाँ लिख दिया 400, कैपिटल ए कैपिटल ये यहाँ पर है 150, कैपिटल ए बी 50 है तो ये रहा, स्मॉल ए यानी कि ये 250, स्मॉल ए कैपिटल बी यानी कि ये 150। इसके बाद हमें जो मिसिंग है वो निकालने होंगे। अब जैसे कि यहाँ पर बी मिसिंग है तो इन दोनों का टोटल ही यहाँ पर आएगा। अब ये दोनों तो हमें पता ही है, दोनों जोड़ देंगे तो 200 हो जाएगा। अब ये भी पता हो गया, अब जब 200 पता है जबकि ये 400 है तो 200-200 जोड़ करके ही 400 आता है, तो 400 में 200 घटा के 200 निकाल लेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये 150 है, ये 50 हमें पता है, जिसका मतलब 150 में से 50 घटा के 100 आराम से आ जाएगा। अब ये 200 मालूम है तो 100 और 100 मिलके 200 होते हैं, तो 200 में से हम 100 घटा के 100 वाला ये वाला निकाल लेंगे। हमें ज़रूरत किसकी थी, हमें ज़रूरत थी कैपिटल बी की जिसकी वैल्यू 200 यानी 200 है। अब उसको हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, यानी 150 इंटू कैपिटल बी की वैल्यू है 200 अपॉन एन है 400। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये आता है 75, यानी जो 75 है ये कैपिटल ए बी की जो वैल्यू है 50, कैपिटल ए बी की जो वैल्यू 50 है ये इस वैल्यू से कम आ रही है, यानी इसमें इस प्रकार का निशान लगेगा। इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं, तो इसका मतलब यह है कि नेगेटिव हो गया, तो हमने यहाँ पर लिख दिया नेगेटिव एसोसिएशन। इस प्रकार से आपने तीनों प्रकार के सिस्टम में ये जान लिया है कि ये इंडिपेंडेंट है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो आखिर क्यों है और कैसे है। इसी प्रकार की प्रॉब्लम आगे भी जारी रहेगी, वीडियो लास्ट तक देखा कीजिए। बोर्ड पर अच्छा लगता है या कॉपी पर, ये सुझाव मैं आपसे बार बार मांग रहा हूँ, इस पर कमेंट आप जरूर कीजिए और मुझे सुझाव दीजिए क्या बोर्ड पर अच्छा लगा
या कॉपी पर भी सवाल बन रहे हैं तो कॉपी पर अच्छा लगता हो, जैसे भी आपको अच्छा लगा है वो बात हमें आप जरूर बताइए, ताकि मैं इस बात से संतुष्ट हो जाऊं कि यहाँ पर खड़े होकर वीडियो आपको प्रोवाइड करने में हमें और आपको खुशी हो रही है। या कॉपी पर मेहनत तो हमें उतनी ही करनी होती है, यहाँ इतना है इसको मिटा के फिर दूसरा सवाल करना होता है, उसमें पेज पलट के दूसरा सवाल करना होता है, भाई इससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, फिर एक नया टॉपिक लेकर आएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखा करें, स्किप बिल्कुल ना करें। हाँ भाई, शॉर्ट वीडियो में बहुत मज़ा आता है, उसको स्क्रॉल करते हैं एक नई वीडियो आती है, बहुत फन होता है, लेकिन थोड़ा सा फन से हट करके आप एजुकेशन पर भी आ जाएंगे तो शायद ज़िंदगी का फन और भी फनदार यानी मज़ेदार हो जाएगा। मेहनत करते रहिए, इसी प्रकार बने रहिए। मुझे भी पता है जब से ये शॉर्ट आया हुआ है तब से बच्चे बस स्क्रॉलिंग करके नई नई फनदार वीडियो बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। पढ़ने लिखने वाली वीडियो पर बहुत कम व्यूज आ रहे हैं, लेकिन जो बच्चे पढ़ रहे हैं और पढ़ाई में दिमाग लगा रहे हैं वे सफल भी हो रहे हैं। इस बात में कोई शक नहीं है कि 12-1 बजे रात तक बच्चे पड़े रहते हैं, फ़ोन चलाते रहते हैं, पढ़ाई के नाम पर कुछ नहीं करते, सिर्फ स्क्रॉलिंग करते हैं, शॉर्ट्स वीडियो सबसे ज़्यादा देखते हैं। व्यूज के मामले में सर्वे में ये भी पता चल गया है कि जो शॉर्ट्स वीडियो है उस पर ज़्यादा व्यूज आ रहे हैं और लॉन्ग वीडियो पर उतना ज़्यादा व्यूज नहीं आ रहे हैं। तो हम भी बहुत शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं बहुत कम समय की, जिससे आप लोगों को भी बोरियत महसूस ना हो। बने रहिए और वीडियो लास्ट तक देखा करिए और वीडियो शेयर भी कीजिए।